तो हे गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और चैनल में नया हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आप अपनी फोटो को लाइट रूम में ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप जिस फोटो को एडिट करना चाहते हैं उस फोटो को आप सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको लाइट वाला ऑप्शन पे चले आना है। लाइट वाला ऑप्शन पे आने के बाद एक्सपोजर को 20 पे रख देना है। एक्सपोजर को 20 पे करने के बाद कॉन्ट्रास्ट को आपको थोड़ा इंक्रीज कर लेना है, करीब 10 के आसपास, और हाईलाइट को थोड़ा डिक्रीज कर देना है, करीब 20 के आसपास, और शैडो को इंक्रीज कर देना है 30 के आसपास। फिर ये सब हो जाने के बाद वाइट को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे और ब्लैक को थोड़ा डिक्रीज कर देंगे। उसके बाद इस कलर वाले ऑप्शन पे चले आएंगे। कलर वाले ऑप्शन पे आने के बाद इसकी वेग्नेशन को प्लस कर देंगे, प्लस करीब 60 के आसपास। ये सब होने के बाद इसकी टेन को 8 पे रख देंगे और सैचुरेशन को 4-4 पर कर देंगे। उसके बाद कलर वाला आइकन पर चले आना। कलर वाला आइकन आने के बाद इस येलो वाले कलर को सिलेक्ट कर लेना। येलो वाले कलर को सिलेक्ट करने के बाद इसकी ह्यू को -100 कर देना और सैचुरेशन को +100 कर देना। उसके बाद ग्रीन वाला ऑप्शन पर चले आना। ग्रीन वाला ऑप्शन पर आके इसकी ह्यू को भी -100 कर देना और सैचुरेशन को करीब 50 के आसपास रख लेना आपके फ़ोटो के हिसाब से। फिर आप नेक्स्ट वाले टूल पे चले आना, इसको आप +100 कर देना। फिर ब्लू वाले कलर पे चले आना, उसकी ह्यू को -100 कर देना, सैचुरेशन को करीब 20 के आसपास कर देना। ये सब हो जाने के बाद ऑरेंज वाले कलर पे चले आना। ऑरेंज वाले कलर के आने के बाद लुमिनस को आप इंक्रीज कर देना, करीब कर देना 40 के आसपास। ऐसे डन कर देना। डन करने के बाद नेक्स्ट वाले टूल पर चले आना। नेक्स्ट वाले टूल पे आने के बाद इसकी कलर आईडी को 20 पे रख लेना, 20 पे, जैसे कि मैं कर दिया। उसके बाद डिजाइट को भी हल्का इंक्रीज कर देना, करीब 10 के आसपास। फिर विगनेट को अपने फोटो के हिसाब से रख लेना, मैं 20 रख लेता हूँ। उसके बाद गन को 3 पे रख देते हैं। 3 पे रखने के बाद नेक्स्ट वाले टूल पे चले आना। नेक्स्ट वाले टूल पे आने के बाद इसकी शार्पिंग को करीब 50 के आसपास कर देंगे, 30 पे रख देना, 30 बेटर रहेगा, 30 पे रख देना। उसके बाद मेकिंग को 15 के आसपास कर देना। फिर नॉइज रिडक्शन को आप 20 पे रख देना। तो आप देख सकते हो हमारा बिफोर वाले फ़ोटो कैसा था। तो ये था बिफोर, अभी आफ्टर कैसा है। तो बहुत ही कमल का वीडियो बनी है। तो वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर वाले ऑप्शन पे जाके इस फोटो को कर लेना सेव टू डिवाइस।